ओम शांति, ओम शांति। अगर आप कहते हो कि धन, ये गरीब क्यों, ये करोड़पति क्यों, किसने बनाया इनको करोड़पति? शिव बाबा ने ऊपर से पैसे दिया तो कैसे ये गरीब बन गया? तब बाबा ने कहा, बच्चे संगम पर धन आप लेके नहीं आए थे, ना लेके जाएंगे, तो आपके पास कुछ भी धन है ईश्वरीय सेवा में, भगवान की सेवा में लगाते हो, वो एक का पदम गुना देता है, खाता लेके नहीं जाएगा। तो आप पूछो धन कितना लगाते हो आप? एक का पदम गुना है। अब और एक कोई बताता है कि भाई जी मेरे पास तो धन है ही नहीं है। तन अच्छा, बहन जी कहती है मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं 24 घंटे बाबा की सेवा करती हूं, लेकिन धन मेरे पास नहीं है। तो क्या बहन जी धनवान बन सकती है? इनके पास पैसे नहीं है, तन अच्छा है, तन की सेवा करती है, तो धन मिलेगा? मिलेगा कहां से? मिलेगा तो सेवा करती हो, तन से करती, धन कहां से? ऊपर से बाबा से पैसे भेजेगा नहीं, कौन देगा? इसका भी निवारण बताओ भी क्या करे बहन जी? वो कहते मेरे पास पैसे नहीं, मैं छोटी हूँ, पढ़ रही हूँ, अभी शरीर बहुत अच्छा है, मैं सवेरे से रात तक सेवा करती हूँ, लेकिन भंडारे में डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या करना चाहिए उनको? माता जी बताओ। हाँ, पैसे दूसरा देगा? मैंने आप कहते हो उनको दूसरों के पास जाके नौकरी करो। तो दूसरों के पास वो बहुत अच्छे माँ बाप छोड़ेंगे, छोटी बच्ची है, लेकिन दूसरों के पास नौकरी करो, पैसे के लिए पढ़ाई करेंगे अभी? हाँ, नौकरी करे जच नहीं जाए, है ना? हाँ, गरीब कोई है तो काम काम भी मिलता नहीं अभी कोई किसी के पास। बहन जी ये कह रही है कि आप पैसे है, हाँ, मजदूर को लगा के बाबा की सेवा करा दी, सेवा हो तो गई। मजदूर को लगा कर ऐसे मजदूरी की, मजदूर खरीदा, मजदूर को पैसा देना पड़ेगा ना? इनके माता जी के लिए, हाँ, ये मैं इनके नहीं, माता जी के लिए कहते हो आप, ये सही है, ये थोड़ा सही है। फिर सोचना, माता जी के पास धन है, कल ठीक नहीं है, तो माता जी ने किसी को बुलाया, भैया तुम इधर काम करो, मैं आपको पैसा देता, लेकिन माता जी के शरीर से तो नहीं हुआ, लेकिन धन से हुआ, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा नहीं, स्वयं का तन नहीं लगाए, औरों का तन लगाए, धनवान होगी लेकिन तन का इंटरेस्ट मिलेगा थोड़ा, नहीं ऐसा भी नहीं, थोड़ा मिलेगा, है ना? एक आपका निवारण थोड़ा ठीक है, दूसरे को पैसा दे, पैसा है, पैसा देखे। अभी धन बहन जी क्या करे वो बताओ, इनके पास धन ही नहीं है, उसका भी उपाय बताओ, उसको क्या करें? हाँ, तो माता जी बहन जी कहते दूसरों के पास जाके बर्तन साफ करो, हाँ, नौकरी करो, कमा करके बाबा को दे दो, ऐसा ये तो होने से सबके लिए, तो अच्छा है ना? हाँ, तो अच्छा है, तो कहीं भी जाके काम करेंगी, बाबा का सेवा करेंगी, बाबा की सेवा करेंगे, बाबा पैसा देगा? पैसे धन कैसे लाए? आपने सही बोला, वो सही है, लेकिन इसको थोड़ा सोचो कि वो क्या करे, धन कहाँ से लाए? बाबा कैसे ना, डायरेक्ट तो देगा, बाबा की सेवा करे, क्या सेवा करे? अगर शरीर से करी है, शरीर स्वस्थ रहेगा, या मजदूर से करवा रहे, बाबा के घर में कुछ सेवा करेंगे पैसे देंगी बहन जी? नहीं, सेवा करो, बाबा के बाबा देगा, तो ऐसे तो नहीं ना, उसका कुछ सही बोल रहे हो आप, लेकिन उसका और स्पष्टीकरण चाहिए। अभी बहन जी को धन डालना है लेकिन उनके पास नहीं, तो क्या करें जी? कौन बताएगा? हाँ, ज्ञान सुनाएंगे तो पैसे आएगा, ज्ञान धन देंगे, लेकिन धन भी तो चाहिए ना। ऐसे कर सकते हो आप, किसी को जाकर धनवान को ज्ञान सुना, वो आपको 1,00,000 रुपए देगा, 5 रुपए देगा, बच्चा बन जाएगा, हाँ, लेकिन वो पैसा तो नहीं देगा बाबा को,
लेकिन वो कितना देगा, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया। श्रीमंत बनना है आपको तो और एक तरीका ठीक है, ज्ञान सुनाएंगे, बड़े होंगे कोई ज्ञान सुनना चाहिए, तभी ना, अभी तो नहीं। सेवा से बचाएंगे। अगर आप भी अपने लगाओ ना, आपके पास धन नहीं है, आप भंडारे में पैसा डालना चाहते हो, बाबा के तो धन की सेवा आप क्या करेंगे, आप कहते हो मेरे पास धन नहीं, तब अच्छा है। तो कैसे बचे से जाएगी, सेवा करेगा, क्या सेवा करेगा, थोड़ा ठीक है, लेकिन और भी चीज है, और उपाय बताता, दोनों का उपाय है। मैंने कहा आपके द्वारा भी सुनो, देख लो जो तन के लिए बताया, अगर माता जी बुजुर्ग है कुछ नहीं कर सकते हैं, धन है तो किसी को धन दे करके काम सेंटर का कर सकते हैं, मकान बन रहा है, खेती में सफाई करना है, कुछ काम करवा सकते हैं, फिर उससे भी इंटरेस्ट लगा, स्वयं का तन नहीं लगा है और उसका उपाय नहीं कुछ। लेकिन और एक चीज है, धन की बात बताया, धन आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास खेती है, खेती में अनाज उगता है, सब्जी उगती है, आप गाय, घर में गाय भैंस है, दूध है, बाबा को भोग लगाने के लिए दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, तो अगर आप अनाज ला करके भंडार सेंटर में देते हो, बहन जी को भंडार से 100 रुपया खर्चा करना पड़ता है एक महीने के लिए, 1 लीटर दूध लेना है, तो आपने कहा बहन जी आप दूध मार्केट से नहीं लाओ, मैं 1 लीटर दूध ला के देता हूँ, तो 100 रुपया आपका जमा हो गया। घर में सब्जी लग खेती में होती है, आपके पास अनाज है, अनाज लेने के लिए पैसे देना पड़ता है, तो वो पैसे भंडार से तो नहीं गया, 100 रुपया आपके नाम से जमा हो गया, अनाज भी आ गया, सब्जी भी आ गई, सब्जी लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, भंडार से जाता है ना, तो आपका जमा हो गया।